केंद्र सरकार द्वारा यातायात नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ भारी भरकम जुर्माना तय कर उसे लागू किया गया है, जिसके बाद अब तक आपने 20,000, 25,000 और 30,000 के जुर्माने की खबरें देखी और सुनी होगी। लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं अब तक का देश का सबसे बड़ा चालान। जी हाँ, एक ओवरलोड ट्रक का चालान कटा है और उसे जुर्माने के रूप में 20-30 हज़ार नहीं बल्कि पूरे 141,700 रुपये का जुर्माना भरना पड़ा है। मामला दिल्ली का है लेकिन राजस्थान से भी जुड़ा हुआ है। जानकारी के मुताबिक राजस्थान के बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ तहसील के ठुकरिया सर के रहने वाले हनुमाना राम का एक ट्रक बीकानेर से दिल्ली गया था जो ओवरलोड था, जिस पर 5 सितंबर को रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास पुलिस ने रुकवाया और उसका चालान भर दिया। जब 9 सितंबर को कोर्ट से ट्रक को छुड़वाया गया तो उसे 141,700 रुपए के करीब जुर्माना भरना पड़ा। जब ये इसकी रसीद सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो ये चर्चा में आ गया। माना जा रहा है कि यह अब तक की देश की सबसे बड़ी चालान की राशि है। बहरहाल इस राशि के सामने आने के बाद इसकी भी खूब चर्चा हो रही है। ट्रक के मालिक हनुमाना राम ने आज चूरू के सरदार शहर में इसकी जानकारी पत्रकारों को दी है। आइए सुनते हैं क्या कहना है हनुमाना राम। इसमें साहब बीकानेर से मेरी गाड़ी भर के गई दिल्ली और इसमें 15 टन आउटलोड आ रिठाला मेट्रो स्टेशन पास मिला 5 नंबर वाले दिल्ली में। यो चलान कट दिया 15 टन आउटलोड गाड़ी कर दी सीज बाद तो चलान कट दिया 15 टन का। बाद में रोहिणी कोर्ट में सटाया तो कोर्ट में फैसला दिया 141,700 रुपया वो जुर्माना भर दिया कल 9 तारीख का और 5 तारीख की मेरी गाड़ी बंद हुई। कागज सारा पूरा एकदम ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइवर के पास सामान बजाय बजरी मीडियम बजरी दाना होता ना वो मीडियम 2 AM जाता है फैक्ट्री छिल्ली का भरी हुई बीकानेर से।